हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत ही सारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। और काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों का फिर से वेलकम कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बिजी कर देती है, तो फिर आपके पास कोई और चारा नहीं बचता कि आप उस सिचुएशन को संभालें। तो बस वही था। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में जो कि टॉट से ही मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने आपको इंजूरिया साइन डेमनम बता दिया था, लास्ट के दो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डेमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपके कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ हानि यहाँ पे हो जा रही है। तो यहाँ पर इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है बिना क्षति के हानि। आपको कोई क्षति नहीं हो रही है, यहाँ पे क्षति का मतलब सिर्फ कानूनी अधिकार का उल्लंघन से है, और हानि जो कि आपको कुछ भी हो सकती है छोटी मोटी। तो उसके पहले जो हमने पढ़ा था इंजूरिया साइन डेमनम, वहाँ पर आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप याद रखिएगा, डेमनम साइन इंजूरिया में बिना क्षति के हानि हो रही है, यानी आपको कोई क्षति नहीं हो रही है। क्षति का मतलब है आपके जो लीगल राइट्स हैं उनका कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपकी लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये मुकदमा एक्शनेबल नहीं है, आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले सकते, आपका मुकदमा पोषणीय नहीं है, आप यहाँ पर केस नहीं कर सकते। आपका मतलब है यहाँ वादी से, वादी यहाँ पर प्रतिवादी पर कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता, क्योंकि टॉट आपसे कहता है कि जब आपका कोई कानूनी अधिकार हम ले ही नहीं रहे हैं तो फिर हम आपको हर्जाना किस चीज का देंगे, हम आपको यहाँ पे कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक शॉप है, मान लेते हैं कि स्टेशनरी शॉप है जो कि काफ़ी पहले से ही चल रही है। उस जस्ट स्टेशनरी शॉप के जस्ट सामने एक और स्टेशनरी शॉप खुल जाती है, तो सामने वाली जो दुकान है जिस पर काफ़ी ज़्यादा इनकम पहले से हो रही है क्योंकि वो काफ़ी पुरानी दुकान है, लेकिन अब जब एक और जो सामने दुकान खुल गई तो लोग वहाँ भी जाने लगे, तो जो दुकान पहले से थी उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली लॉस तो हुआ होगा, क्योंकि उसके कुछ ग्राहक कुछ कस्टमर हैं जो कि सामने वाली दुकान में भी जा रहे होंगे। कोई चीज़ यहाँ नहीं मिल रही होगी तो वहाँ मिल जा रही होगी, या फिर लोगों को लगता होगा कि वहाँ से भी ले लेना चाहिए। तो सामने वाले को क्षति हो रही है, लेकिन वहाँ पर उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वहाँ अगर उसे क्षति हो भी रही है तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हो रही है। तो यही है डेमनम साइन इंजूरिया, जहाँ पर आपको बिना क्षति के हानि हो रही है और आपको क्षति बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि टॉट आपको यही कह रहा है कि जब आपका कोई कानूनी अधिकार छीना नहीं जाएगा तो हम आपको कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क इम्पॉर्टेंट केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक वैसा ही जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको स्टेशनरी शॉप का दिया था, यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर वादी का स्कूल चल रहा था और प्रतिवादी ने वादी के जस्ट सामने में एक और स्कूल खोल लिया, और यहाँ पर प्रतिवादी ने क्या किया, अपने स्कूल की फीस जो है वादी के स्कूल की फीस से काफ़ी कम रखी। तो वादी के जो स्कूल के काफ़ी बच्चे थे वो उन्होंने क्या किया, वादी के स्कूल को छोड़ करके उन्होंने प्रतिवादी के स्कूल में एडमिशन ले लिया क्योंकि वहाँ फीस थोड़ी कम थी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान हुआ ज़रूर यहाँ पे वादी को, तो वादी ने यहाँ पे केस फाइल कर दिया। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर आपके कोई भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा, आपको बिजनेस करने से रोका नहीं जा रहा, आपको उपजीविका के साधन जो आपको हैं वही सामने वाले को हैं, वो भी अपनी आजीविका के लिए कोई भी साधन अपना सकता है जो कि रीजनेबल है और कानून की नज़र में सही है। तो यहाँ पर आप किसी को कोई भी काम करने से रोक नहीं सकते, ये एक प्रतिस्पर्धा है, ये कंपटीशन का सब्जेक्ट है कि वो अगर आपसे ज़्यादा इनकम कर रहा है तो फिर आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपको भी ज़्यादा इनकम हो। बट हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो स्कूल हटा ले या वो स्कूल बंद कर ले या फिर वो अपनी जो फीस उन्होंने ज़्यादा की कम की है वो ज़्यादा कर ले, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि व्यापार आजीविका के साधन और जो भी काम करने का अधिकार तो सबको है। तो यहाँ पर यही है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस जो कि रिलेटेड है डेमनम साइन इंजूरिया से। आप लोग इस केस को जानते भी होंगे, और अगर इसका फैक्ट्स आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया है, स्टोरी आपको याद रहेगी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और भी काफ़ी सारे केसेस हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने ले करके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, याद रखिएगा डेमनम साइन इंजूरिया, आपको यहाँ पर बिना क्षति के हानि हो रही है, यहाँ पर केस एक्शनेबल नहीं है, वादी प्रतिवादी पर केस नहीं कर सकता,
केस याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको वाकई में पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, और अपने बाकी सारे फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।